एक्चुअली यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बिकॉज इज अ फैंटास्टिक एक्टर और मतलब इन ऑल ऑनेस्टी मतलब व्हेन आई मेट हिम वो जब मैं इनसे बात कर रहा था ये कर रहा था डिस्कशन कर रहा था इंटरेक्ट कर रहा था सो ही वॉज फिटिंग राइट देयर इन द कैरेक्टर ऑफ डड्डू ठाकुर और मतलब जिस तरह से इनका बात करने का तरीका या डील डॉल पर्सनैलिटी दैट्स क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड नॉट बिकॉज इट इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी आई एम सेइंग दिस बट यस दैट्स एक्चुअली द रीजन व्हाई ही इज देयर इन द फिल्म. Sunny. No, I'm very glad that I'm a part of the film. You know, it's very interesting that when I read the script, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी कि ये फिल्म कहाँ से आ रही है, जिस टॉपिक के बारे में ये बात कर रहे थे. मुझे इतना समझ में आ रहा था कि इट्स अ गुड फिल्म एंड आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मुझे ये नहीं पता था वेदर आई विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई डोंट नो दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग इन द फिल्म. सो आई सैट विद हिम, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया फिल्म के बारे में, बैकड्रॉप कहाँ से आ रहा है ये वो, मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में, तब जाके मैंने कहा कि अच्छा इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी अ पार्ट ऑफ एंड इट्स समथिंग न्यू फॉर मी टू डू एंड दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ द फिल्म. Also, I just want to add on here, the fact that he didn't know about the history or the subject, it was an added advantage because he was not coming with any kind of a baggage. He was not coming with any kind of a preconceived notion about a certain about the topic. So it was actually very easy for him and for me to make him adapt into the subject. जब आप कोई भी फिल्म का हिस्सा बनते हैं सनी, ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. क्या आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, क्योंकि डायरेक्टर साहब ऑफ कोर्स इसका हिस्सा है, राइटर भी हैं, जी. आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला कि यार सनी अच्छा है, अमेजिंग, गुड? उस सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये मिला था दैट इट्स समथिंग न्यू दैट वी आर ट्राइंग टू शो, यू नो. एंड दूसरा ये था कि मम्मी ने मुझे ये कहा था कि भाई ये तू नहीं लग रहा है इसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे सुन के कि ये उन्होंने कहा था ये सनी सनी नहीं लग रहा है. तो हर चीज़ हर अब तक जो भी मैंने किया है विच वॉज वेरी क्लोज टू माई होम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड एवरी थिंग, जो पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले किए, बट इसमें उन्होंने कहा था कि यार ये तू तू नहीं लग रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी वो सुन के. सर आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला कि ये सुनने में लाया है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड दैट इटसेल्फ इज अ मतलब This entire era is such an important era of our country, and nobody talks about it. And that is what I got to know. So sensitive. Please continue. You're saying No, I was not saying anything. You're saying something. No, I was just nodding to what he was saying. मैं कुछ बोल नहीं रहा था. I thought so. You're saying something. इतना sensitive subject उठाना, जिस subject से मुझे लगता है कि लोग बचते हैं, उस बारे में बात नहीं करना चाहते. जब मैं सिनेमा के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूँ, जब आप बात करते हैं तो भाई एतराज अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज खड़े होकर एतराज कर देती हैं, कोई विशेष धर्म या विशेष जाति पर एतराज कर देती है. इस सब्जेक्ट को चुनना कुछ चैलेंज और या एक बहुत डर का अभाव था, भाव था कि यार ये एक्साइटिंग होने वाला है या कहीं नर्वसनेस पैदा करता है, कि जिस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना? नहीं, एक्साइटिंग है, डर तो नहीं है बिकॉज ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. तो मतलब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो क्या डर है, मतलब वी हैव लिव्ड थ्रू द सेरा. द फैक्ट दैट जो इसमें से हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थॉट दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वो सारे मुद्दे और वो सवाल हम जो कहना चाह रहे हैं इसमें से वो बाहर वो आगे लाना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू डवेल इन दिस टॉपिक. या आई थिंक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फिल्म का मुद्दा इज़ नॉट टू टॉक अबाउट कास्ट, इट्स दैट्स जस्ट द बाय प्रोडक्ट प्रॉबेबली. वट वी टॉकिंग अबाउट इज एजुकेशन, इज द राइट टू एजुकेशन एंड हाउ इट शुड बी इक्वल, यू नो, बिकॉज एजुकेशन डजेंट सी एनी कास्ट और एनी थिंग, एंड इट फिल्म काइंड ऑफ यूनिफाइज एवरी थिंग रादर देन पुलिंग इट अपार्ट. सो आई थिंक दैट्स द पर्स्पेक्टिव मैटर्स फ्रॉम विच यू शो अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो आई थिंक हिज पर्स्पेक्टिव वॉज सो प्योर अबाउट इट कि उसमें ना कुछ मलाल नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर. आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं जो बात बंद लफ्जों में कही गई थी उसे खुल के सिनेमा के माध्यम से कहा जा रहा है कि समवे यू नो ट्रेलर कन्वे दिस की इट इज मोर अबाउट रिजर्वेशन कि आप काबिल हैं तो आप यकीनन उस जगह हो सकते हैं, और अगर आप काबिल नहीं हैं और सिर्फ रिजर्वेशन की बात है तो यू डजंट डिजर्व टू बी दैट प्लेस. दिस इज व्हाट यू नहीं सो दैट्स
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एरा, दैट इज द रीजन वाई, मतलब इट्स अ गिवन थिंग दैट उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. पर जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो सबके पास होना चाहिए. एक्सेस टू एजुकेशन इज द राइट सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन. जो किसी भी मतलब वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी कास्ट और एनी मतलब किसी भी तबके के बारे के अगेंस्ट हम बात नहीं कर रहे. हम कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और हम कुछ पूछ रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से कि क्या हम ज़रूरी है कि सिर्फ हम सिर्फ रिजर्वेशन इज द सोल्यूशन और देर इज एनीथिंग एल्स ऑल्सो विच कैन बी अ सोल्यूशन. I think the most challenging part was to understand where the film stands, you know, what the film is trying to say, like we've spoken about what the film is trying to say, but to understand that in terms of a character, to understand, because it's through the characters that you're showing, it's through perspectives that you're showing this story. It's not a documentary on that said era. So it's a fictional story revolving around that. So the difficult part was to kind of imagine yourself in that to be able to portray that. Because ye aap daddu ke nazariye se dekh rahe hain is film ko ke kya ho raha hai. Because essentially it's actually a love story. If you see the film, it's a love story between these two characters, Daddu and Jhulan, who's played by Nusrat. And how they are so secure in their own little world ke shaadi ho jayegi, sab kuch sahi ho jayega. And till this whole thing happens and the world starts falling apart, you know. So it's that, it's more of a human story. So to bring that, I think, was the difficult part in the film. Sunny. Quite a socially challenging films, like I can say. Yeah. Like some social topic in your films. Yeah. You say like Kashif, that was a love story. Yeah. But it had that illegal immigrant. Yeah. It did a patriotic film like Forgotten Army. Yes, yes. So it's like about the casteism and yeah. मैन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स टू बी वेरी फ्रैंक. अब तक हाँ मैं मतलब यू नो आई थिंक एवरी फिल्म नो मैटर वॉट इट इज़ विल हैव अ सोशल एलिमेंट वेदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली. यू टेक एनी फिल्म इवन इफ इट्स अ कॉमेडी फिल्म इट विल हैव अ सोशल बैकग्राउंड बिकॉज यू हैव टू सेट द कैरेक्टर्स इन द सोसाइटी राइट. एंड इफ यू placing the characters in the society in the backdrop subconsciously there will be things that are being said about it right. So like you're talking about Shiddat, I did not think that it's a social message about illegal immigrants or anything. We were making a love story right. When we were doing Forgotten Army we were just taking a piece of history about these forgotten heroes and we were telling. It's not necessarily that we are trying to say that oh things should change and thing kuch badlav lane ki koshish. No, it's a story and that's how I look at things, you know. So I think part of the reason to do the film was also that I could connect to the story and which is why I was doing it. Right now to abhi Isami ji aap actor hain ji. Agar main aapse puchun ki bachpan mein ji IAS officer ji MLA ji जी मुझे एक्चुअली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी तो मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था. सो दैट वाज या सो आई वाज मैं टिल डेट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड यू नो ये जो फाइंडिंग्स होते हैं तो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ जब जब भी मुझे मौका मिलता है. तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली मुझे याद है मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था बट फिर हवा ने रुख बदला. जी सो ये रुख यार ये बहुत ही सबकॉन्शियसली ये रुख बदला है क्योंकि मैंने कॉलेज में आके कॉमर्स ले लिया फिर मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था क्योंकि ना एक कभी सेट गोल नहीं था लाइफ में. आर्कियोलॉजिस्ट बनना था बट कभी ऐसे नहीं कॉन्शियसली सोचा कि अब हम हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करेंगे जो जैसे मिल गया. फिर जब ये भी जब आई थिंक 21 साल का था जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे लगा कि नहीं यार मैं अपनी लाइफ एज अ सीए नहीं देख सकता. एंड आई वाज ऑलवेज मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में था बचपन से तो वो मार्कर्स थे तो मैंने कहा ये चांस दे सकते हैं इस चीज़ को और चांस देते 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 यहाँ तक आए. जिनकी तरह बनना है अब तो क्योंकि आप इतनी दुनिया में हैं जी अब आपको
मुझे एक्चुअली किसी की तरह नहीं बनना है, बिकॉज आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इज दैट यू आर एन इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट. तो वो इट विल बी वेरी स्टूपिड ऑफ मी एक्चुअली टू से कि मुझे इनकी तरह बनना है. नहीं बन पाऊंगा मैं किसी की तरह, नो मैटर हाउ मच आई एडमायर अ सर्टन पर्सन. एंड फेवरेट आर्टिस्ट यार कीप्स चेंजिंग, यू नो इट कीप्स चेंजिंग थ्रू द टाइम. बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई ऑल टाइम फेवरेट्स एंड ऑल, देन आई थिंक गुरुदत्त साहब वुड बी माई, बिकॉज मुझे याद है मैंने प्यासा हाल ही में देखी, मैंने कभी देखी नहीं थी प्यासा. तो एक फिल्म फेस्टिवल होता है मामी, जहाँ पर उन्होंने प्यासा, और मैंने बड़े पर्दे पर प्यासा देखी थी, और मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी. मैंने कहा यार ये दिस इज़ अ पीस ऑफ एक्सप्रेशन दैट ही इज़ ब्रॉट टू द ऑडियंस, एंड आई वॉज रियली मूव्ड बाई दैट. सो दिस इज़ वॉट आई रिमेंबर आई थिंक गुरुदत्त साहब. बिल्कुल आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट आते रहता है, बिकॉज आई थिंक एक आर्टिस्ट का करियर कभी ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे 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 चलते रहता है. तो अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तक तो मतलब मुझे मैं तो ये कहूँगा कि इट्स नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. मतलब वो एक अगर आइसबर्ग है तो एक छोटा सा फ्रिज से निकाला हुआ आइस क्यूब है जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो बहुत बहुत बचा. अपने आप को जितना समझेंगे, दुनिया को जितना समझेंगे, उतना और दे पाएंगे. सबर बाकी है या खत्म हो रहा है? नहीं सबर तो बहुत है सर, क्या बात कर रहे हैं, सबर तो भरपूर कूट कूट के भरी हुई है अंदर. डायरेक्टर दैट आई वुड वॉन्ट टू वर्क विद, आई डोंट नो फ्रेंकली, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो वॉट लाइफ ब्रिंग्स यू, यू नो. And I don't know, yaar. I think I would love to work with everybody because I think I have the capacity to work with everybody. So, as an actor or as a star, what would you like to do? You know, in future, like you would like to do the commercial films, like you know, complete masala films, yeah. Or you would be happy doing films like Hurdang, which actually. I mean, actually, if you see Hurdang, that it can be categorized as a. Just because it talks about a subject, it doesn't mean that it's not a commercial masala kind of thing. It has all the tropes of it as well. I would love to do if I get a very indie film, and if I want to be a part of it, I'll be a part of it. If it's an out and out blast, like you say, commercial film, masala film, I would love to be a part of it. So I don't want to constrain myself in anything. So how was it working with Nusrat and Vijay Kumar? Because they are not just, you know. Oh, that's. Fantastic. They are such fluid actors, you know, that unke saath it wasn't acting, it was playing. You know, jab hum theater karte hai to aapko chhod diya jata hai, which is why it's called a play, because you're playing, right? So that's the process that we went through, which was very new to me, because we bonded really well offset as well, and we could translate it on screen. So it was absolutely, and both of them are such fantastic actors. निखिल जी, आपने इनकी फिल्म सिद्धत तो देखी होगी. जब से इनकी फिल्म सिद्धत आई है, लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत हो गई है, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि इन्हें अपनी पूरी होल बॉडी दिखाने में मजा आएगी. सो आप बताइए कि इस फिल्म में भी हमें ऐसा चांस देखने को मिलेगा इनकी तरह? आप गए? नहीं, इसमें इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं. हाँ. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. कुछ ऐसे चांस लिया आपने कि यार यहाँ भी ऐसे कुछ आपके दिमाग में चल रहा था जब आप डायरेक्ट? नहीं, वो सब दिमाग में नहीं चल रहा था. बट यार मतलब स्क्रीन पे मतलब जो है इनका पर्सन बहुत अच्छा है. सो पर इस फिल्म में नहीं है, इस फिल्म में ये बस मतलब चांस नहीं मिला एक्चुअली. वैसा कुछ सीन दिखाया, फिल्म में जरूरत भी नहीं थी सर. क्या बोल रहे, चांस मतलब चांस मतलब स्टोरी के चांस, स्टोरी के थ्रू चांस. हां बिल्कुल. इस फिल्म में सिर्फ एक था कि छाती के बाल दिखने चाहिए. हां ये बहुत इंपॉर्टेंट था. हाँ मतलब जाइए और फिल्म जरूर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करती है. तो ये बहुत मतलब कोशिश की है, बहुत ही मेहनत से बनी हुई फिल्म है, और हम
चाह रहे हैं कि लोग ये देखें और उनको पता चले कि ऐसे टाइम में लव स्टोरी और मतलब जब एक लड़का लड़की जब उस समय मिलते थे, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया है कि उस समय मतलब सिंपल थिंग जैसे बता रहे हैं कि उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वो सब वगैरह नहीं था, तो लड़का लड़की जब बात करते थे तो फ़ोन करते थे दूसरे को, लाइन लाइन पर फ़ोन करते थे, एक रिंग डाल के फ़ोन काट देते थे. सो दैट यूज टू बी अ मैसेज टू से कि हमने फ़ोन किया है, मतलब आई एम ट्राइंग टू रीच. सो ये सारी चीज़ें नुआंसेस जो हैं 90s के नुआंसेस हमने दर्शाया है, कोशिश की. मैं बस यही कहूँगा जो जो इन्होंने कहा, एक तो कट कॉपी पेस्ट और दूसरा प्लीज़ आइए 8 अप्रैल एंड फिल्म देखिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.